श्री दरबार साहिब अमृतसर के हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह अहुदे तो सेवा मुक्त हो गए ने। SGPC ने उन्हां दी थां ते जगतार सिंह लुधियाणा वालियां नूं कार्यकारी हैड ग्रंथी की सेवा सौंपी है। ज्ञानी जगतार सिंह लंबे वक्त तो श्री दरबार साहिब के हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहे सन। SGPC वालों ग्रंथी और हैड ग्रंथी सिंघां की नियुक्ति की जाती है। हैड ग्रंथी के कार्यकाल वजो ज्ञानी जगतार सिंह नाल कई विवाद भी जुड़े ने। श्री दरबार साहिब का हैड ग्रंथी रेंदे हुए ज्ञानी जगतार सिंह का 2 साल पहला हजूरी रागी सिंघां वालों विरोध किया गया सी। रागी सिंघां ने श्री अकाल तख्त के मौजूदा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं ज्ञानी जगतार सिंह के वतीरे के खिलाफ मंग पत्र भी सौंपिया सी, जिस तों बाद जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के दखल तों बाद मामला सुलझा लिया गया सी। रागी सिंघां का दोष सी कि ज्ञानी जगतार सिंह कीर्तन दौरान उन्हां नूं कई वार टोकदे सन, जदके ज्ञानी जगतार सिंह का कहना सी कि जेड़े रागी राग दे मुताबक कीर्तन नहीं करते ने उन्हां नूं ही ओ रोकदे सन। इसे महीने ही एक रागी सिंह वालों ज्ञानी जगतार सिंह दे तंग परेशान करन दा दोष भी लग चुका है ते उस रागी सिंह वालों अस्तीफा दे दिता गया। 1 नवंबर नूं रागी सिंह कुलदीप सिंह ने SGPC दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं लिखे पत्र विच लिखिया सी कि उह लंबे समय तों श्री दरबार साहिब विच सेवा निभा रहे ने। इस दौरान काफी देर तो उन्होंने श्री दरबार साहिब के हैड ग्रंथी जगतार सिंह वालों मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा सी। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस TV।